Hello friends, how are you all? Hope you are all doing good. Welcome back to my channel. So I am back with another tutorial. Hope you like it. Both show to makeup tutorial hai. having simple and easy techniques. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज सेहर एंड आई एम मेकिंग मेकअप वीडियोज फॉर बिगनर्स सो इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन मेक श्योर लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके <laughs> फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर आई एम यूजिंग द बाम ड्रॉप पैलेट और एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी एज यू कैन सी मैं हमेशा आई के मिड से स्टार्ट करती हूँ और पीछे की तरफ ब्रश को मूव करती हूँ और फ्रंट पर मैं वही प्रोडक्ट यूज करती हूँ जो ब्रश पर ऑलरेडी लगी होती है मैं न्यू नहीं लगाती प्रोडक्ट क्योंकि वो बहुत हार्ड से लुक देना स्टार्ट कर देती है हेयर आई एम यूजिंग ड्रमाकोल आई बेस जिसका शेड है एवरी और इससे मैं अपने आईब्रोज को कंसील करूंगी एंड हेयर आई एम यूजिंग अ फ्लैट ब्रश और उसी ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से उसको अपने आईज पर भी अप्लाई कर दूंगी नाउ आई एम यूजिंग अ स्पूली ब्रश और स्पूली ब्रश की हेल्प से हमने जो अपनी आईब्रोज को फिल किया था उसको इक्वली ब्लेंड कर दूंगी हेयर आई एम यूजिंग रोमांटिक कलर की बेस्ट हॉलीडे पैलेट और उसमें से मैं ये आई शेडो लेकर इसको एज अ ट्रांजिशन शेड अपने आईज पे अप्लाई करूंगी एज यू कैन सी मैं हल्का हल्का सा डिपॉजिट करती जाऊंगी और इन और आउट वे में अपने ब्रश को मूव करूंगी अब एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी एज यू कैन सी मैं बहुत सॉफ्टली हैंड्स के साथ इन और आउट वे में ब्रश को मूव कर रही हूँ और अपने आई शेडो को ट्रांजिशन शेड जो हमने अप्लाई किया था उसको ब्लेंड करती जाऊंगी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतने ही हमारे आई शेडो इनहेंस होंगे और प्यारे दिखेंगे अब मेरे पास ये सेपरेट मखा आई शेड है जिसका कलर है एक्वा और टर्कुश ब्लू इसको मैं अपने आईलेट पर फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी आई एम नॉट यूजिंग ब्रश हेयर क्योंकि जो अप्लीकेशन आपकी फिंगर से होती है वो ब्रश की हेल्प से नहीं हो सकती अच्छे से और आपका आई शेड भी बहुत ही पॉप अप होके शो होता है नाव आई एम यूजिंग डार्क ब्राउन कलर फ्रॉम रोमेंटिकल आई शेडो पैलेट और बुलेट ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर दूंगी और अब मैं ब्लैक कलर उसी आई शेडो पैलेट में से लेके सेम ब्रश के साथ अच्छे से इन दोनों कलर को आपस में ब्लेंड कर दूंगी और मिक्सअप कर दूंगी दोनों कलर का हेयर आई एम यूजिंग सिल्वर हाईलाइटर जो कि उछास ब्रांड का है और उससे मैं अपने ब्रॉडबॉन्ड एरिया और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर दूंगी एज यू कैन सी नाउ आई एम यूजिंग एक्वा कलर ग्लीटर्स और इसको मैं अपने आईलेट पर फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर दूंगी हेयर आई एम यूजिंग डेविस ब्रांड की व्हाइट पेंसिल और इसको मैं अपनी वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी नो आई एम यूजिंग रे वॉज यू के लॉन्ग लास्टिंग ब्लैक काजल पेंसिल और इसको मैं अपनी अपर वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी हेयर आई एम यूजिंग रेफ लॉन्कारा माई फेवरेट और इसको मैं अपने नेचुरल आई जो मेरी है उन पर अप्लाई करूंगी फॉल्स uh, लगाने से पहले हेयर आई एम यूजिंग लॉरियल पेरस के डार्क पिंक शेड की है लिपस्टिक और इसको मैं एज ए लिप लाइनर एक ब्रश की हेल्प से पहले अप्लाई करूंगी पहले हम एक वीक्रिएट करेंगे एज यू कैन सी इन द वीडियो और आउटलाइन क्रिएट करने के बाद हम ये मिस रोज की लिप्स्टिक यूज करेंगे जिसका शेड लाइट सा पिंक बेबी पिंक है और इसको भी मैं ब्रश की हेल्प से अपने लिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर दूंगी एज यू कैन सी इन द वीडियो मैं ब्रश की हेल्प से अपने लिप्स पर लिप्स्टिक अप्लाई कर रही हूँ आई विल यूज क्राई लॉन एक्वा का ब्लैक लाइनर और इसको मैं एक वाइट ब्रश की हेल्प से अपने आइस पर अप्लाई करूँगी एज़ यू कैन सी मैं एक बारीक सी लाइन क्रिएट कर रही हूँ और सेम इसी वे में मैं अपनी दूसरी आँख पर भी ऐसे ही अप्लाई कर दूँगी देन हम इस पर अपनी फॉल्स आई लैश अप्लाई करेंगे आई लैशेज़ अप्लाई करने के लिए जो मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ वो है स्वीट टच की और आई लैश जो हैं वो मेरी लोकल ब्रांड की हैं हेयर एंड वेयरिंग माई ज्वेलरी और आपको ये लुक मेरी कैसी लगी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो हमने फाइव मिनट्स में ये ट्रिको मेकअप लुक अचीव की है विद सिंपल एंड इजी टेक्निक्स होप यू लाइक इट सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर मेकअप वीडियोस लाइक दिस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल देन अनदर वीडियो अल्लाह